सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। वेलकम बैक गाइस टू अनदर एपिसोड ऑन पासी चैंप चैलेंज। आज गाइस बात करेंगे कैनुलेस की कलर कोडिंग के बारे में, जिसे आप लोग वेन फ्लो या फिर मेडिकेट या फिर पेरिफेरल कैनुले के नाम से जानते हैं। तो गाइस जो आईवी कैनुले हैं वो बहुत टाइप के होते हैं, 26 नंबर, 22 नंबर, 24 नंबर, 18, 17, 16 और 14, और इनकी जो कलर कोडिंग होती है वो भी काफ़ी पजल करती है। तो इस वीडियो में जानेंगे कि इनकी कलर कोडिंग को इनके नंबर के हिसाब से कैसे याद करना है, और इस वीडियो में मैं आपको आईवी कैनुलेस के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन दूंगा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, लेट्स डाइव इनटू इट। गाइस सबसे पहले तो अगर आपको आईवी कैनुला नहीं लगाना आता तो आप हमारे चैनल की वीडियो को देख सकते हैं, उसमें मैंने अच्छे से डिटेल में बताया है कि जो पेरिफेरल कैनुले हैं मतलब आईवी कैनुला कैसे लगाना होता है। तो उस वीडियो को डिस्क्रिप्शन से या वीडियो के लास्ट में भी आप उस वीडियो को ईजिली देख सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में जो कलर कोडिंग है कैनुलेस की उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर मैं जो ग्रीन कलर का कैनुला होता है 18 नंबर का, उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। पहले तो देखिए गाइस, जो कैनुले की गेज होती है ना, ठीक है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होती है। अगर किसी को इंट्रावेनस थेरेपी चल रही है तो इनकी जो गेज की वैल्यू है, जितनी ज़्यादा गेज का होगा, ठीक है, उतना ही कम फ्लूड उसमें से रश होगा, ठीक है। मतलब कि जो फ्लूड थेरेपी है वो जितनी गाढ़ी है, जैसे ब्लड प्लाज्मा, ये जितना गाढ़ा होगा उतना ही आपको कम गेज का कैनुला लगाना होगा। अगर आपने पेशेंट को जो आईवी थेरेपी है वो थोड़ी सी फास्टली देनी है, ठीक है, तो उतना ही कम गेज का आपने कैथेटर को लगाना है, जो आईवी कैनुला है उसको लगाना है, ठीक है। तो जैसे ऑपरेटिव केस में हम लोगों को आईवी जो फ्लूड है वो थोड़ा रश करना होता है। तो इस वीडियो में मैं डिटेल में नहीं बता रहा, अगर आप आईवी कैनुले की वीडियो को देखेंगे तो आप इजीली समझ जाएंगे कि कब आपने जो आईवी कैनुला है उसका सिलेक्शन करना है। तो इस वीडियो में तो इसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए ये सिंपल हमारा कैनुला है, ओके। तो ये हमारा सिंपल कैनुला होता है, पहले है इसका ये निडल का कैप, ओके, ये निडल का कैप होता है, ठीक है। और उसके बाद इसके अंदर ये निडल होती है, यहाँ पर मैं थोड़ा फोकस कर देता हूँ ताकि आपको इजीली दिख जाए, मे बी फोकस नहीं हो रहा है और दूसरे कैमरे से शूट करते हैं, तो चलिए दूसरे कैमरे पर हम लोग चलते हैं। तो गाइज यहाँ पर दोबारा से मैंने इसको सेट कर दिया है आपको सिखाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये निडल की ये कवर है, कवर करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद ये हमारा कैथेटर है, यहाँ पर देखिए इसके आगे आपको ये पिन पॉइंट दिख रहा है, ये निडल होती है, ठीक है। और यही निडल मास्क के अंदर जाती है, ये जो वैन के अंदर है ये निडल अंदर जाएगी, ठीक है। ये लोअर लोक होता है जिसे हम लोग आम तौर पर स्टॉपर बोलते हैं। तो ये दो काम आता है, एक तो कि जब आप कैथेटर को लगा दोगे तो ये यहाँ पर लगेगा, ठीक है, जिससे ब्लड सप्लाई नहीं आएगी। दूसरा, अगर ये जो कैप है इंजेक्शन पोर्ट की, ठीक है, अगर ये टूट जाती है तो आप इसको यहाँ पर भी लगा सकते हो, ठीक है, ओके। तो ये जो है ये कैथेटर है, प्लास्टिक की रबड़ होती है, ठीक है, और यही अंदर रहती है नॉर्मली। यहाँ पर इसे बुशिंग बोलते हैं, यहाँ से जब आप डालोगे तो यहाँ से ब्लड आपको आता हुआ दिखेगा। ये इंजेक्शन पोर्ट होती है, बारी बारी आपको स्टॉपर खोलने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपने कंटिन्यूसली कोई थेरेपी देनी हो ना तो आप इससे दे सकते हो, यहाँ से जैसे ब्लड, या फिर आपने कोई ड्रिप लगानी है तो यहाँ पर लगा कर और आप दे सकते हो। जैसे मैं आपको बता भी देता हूँ, देखिए यहाँ पर जो ड्रिप है देखिए ऐसी होती है, और ड्रिप को आप यहाँ पर लगा सकते हो, आपने यहाँ नहीं लगानी होती,
ठीक है, या इसका काम फिल्टर करना भी होता है। ठीक है, यहाँ पर आप इंजेक्शन ही दे सकते हो, ठीक है, और यहाँ से कोई भी प्लाज्मा लगाना है या फिर आपने कोई प्लेटलेट्स लगाने हैं या ब्लड लगाना है, ड्रिप लगानी है, तो यहाँ पर लगा सकते हो। ओके ओके देन, तो यहाँ पर ये इसके विंग्स होते हैं, ठीक है, फिक्सिंग के लिए ये काम आती है। आगे ये नीडल, ठीक है, ये नीडल स्टेनलेस स्टील की होती है। देखिए यहाँ पर स्टेनलेस स्टील में थोड़ा बहुत लोहा भी होता है, मतलब आयरन भी होता है। ये मैग्नेट है मेरे पास में, और ये देखिए इसके अंदर थोड़ी मात्रा में लोहा भी होता है, ठीक है। ओके देन, तो गाइज ये जो नीडल है, ये नीडल की ग्रिप होती है, ऑलरेडी मैंने बताया है, ये फ्लैशबैक चैम्बर होता है, ठीक है। और अगर इसको सारे को हम लोग इकट्ठा कर देते हैं तो देखिए जो कैनुला है, नीडल इसके अंदर ऐसे जाती है, ठीक है, ये ग्रिपिंग के लिए होती है, लगाने के लिए। और जो गाइज ये नीडल है, इसको स्टाइलेट भी बोलते हैं कई बार, ठीक है। और ये फ्लैशबैक चैम्बर है, यहाँ पर ये लगने के बाद इसके अंदर आपको ब्लड दिखता है, ठीक है। तो दोबारा रिपीट कर लेते हैं फटाफट, ये इसके अंदर की निडल है, फिर यहाँ तक का ये कैथेटर, ये बुशिंग, यहाँ पर ये आपको दिख रहा है, देखिए मैं थोड़ा सा फोकस भी कर देता हूँ, ये देखिए गाइस, ये बुशिंग बोलते हैं इसे। ओके, ये इंजेक्शन पोर्ट, ये निडल ग्रिप, फ्लैशबैक चैम्बर और लोअर लोक या स्टॉपर, और ये विंग्स होती हैं, ये वाल्व होती है। ओके ओके गाइस, तो ये तो बात थी इसके डिफरेंट पार्ट्स के बारे में। अब बात करते हैं इसकी कलर कोडिंग और इसके नंबर्स को कैसे याद रखना होता है। तो गाइस देखिए, जो इसकी नंबर की सीरीज है वो 14 से 26 नंबर के बीच में होती है। और गाइस एक कैनुला देखिए आपको याद रखना पड़ेगा, 17 नंबर का कैनुला, 17 नंबर का जो कैनुला है वो वाइट कलर का होता है, ठीक है, इसको आपको एक्स्ट्रा याद रखना पड़ेगा। बाकी जो कैनुले हैं, ठीक है, उनको आप इजीली याद कर सकते हैं। तो याद करने का सेंटेंस आप नोट कर लीजिए, याद करने का सेंटेंस है वो है, ओ गॉड ग्रीन पीपल बाय येलो पपाया। ओके, तो यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, ओ का मतलब है ऑरेंज, ठीक है, जो कि है 14 नंबर का कैथेटर। आगे है गॉड, जो कि है ग्रे, जो कि होता है 16 नंबर का कैथेटर, मतलब कैनुला। आगे आता है ग्रीन, ग्रीन का मतलब है ग्रीन, और जो कि 18 नंबर का कैनुला होता है, कैथेटर होता है। आगे है पीपल, ठीक है, तो पीपल यहाँ पर पिंक है, और पीपल्स का जो स्किन का कलर है, ठीक है, वो आप पिंक कलर का समझ सकते हैं, ठीक है, तो आपको इजीली हो जाएगा। तो यहाँ पर पीपल का मतलब है पिंक, जो कि होता है 20 नंबर का। आगे है ग्रीन पीपल बाय, ठीक है, बाय का मतलब है ब्लू, और ये है 22 नंबर का। येलो, येलो का मतलब येलो, जो कि होता है 24 नंबर का। और पपाया, यहाँ पर पपाया मतलब पपीता, जो कि 26 नंबर का होता है। तो गाइज ये सेंटेंस है और आपने इसको इजीली याद रखना है। यहाँ पर जो 17 नंबर का कैथेटर है वाइट कलर का, उसका आपको अलग से याद रखना पड़ेगा, लेकिन ओ गॉड ग्रीन पीपल बाय येलो पपाया आप इस सेंटेंस को याद कर लीजिएगा, जिससे आप इजीली जो कलर कोडिंग है कैथेटर की, उसको आप आसानी से याद कर सकते हैं। तो गाइज आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल और बेनिफिट रखता होगा। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ, तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे फिट।